और बात है ईडी के विधायक की। हमारे देश में अक्सर विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि सरकार ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का काम करती है और जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर ईडी सक्रिय हो जाती है। हरियाणा में भी सियासी गलियारों में इस तरह की आवाजें उठ रही हैं और इन दिनों हरियाणा में समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर पर ईडी ने डेरा डाला है। लगभग ढाई दिन से ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। क्यों छापेमारी की जा रही ईडी के तरफ से और किस तरह के दस्तावेज अभी तक हाथ में लगे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे देश के विपक्ष को अक्सर केंद्र सरकार से एक ही शिकायत रहती है। शिकायत ये कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम कर रही है। शिकायत ये भी है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई क्यों करती है। देश के अलग अलग राज्यों से शुरू हुआ ईडी सीबीआई का शोर अब हरियाणा में सुनाई देने लगा है। हरियाणा में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर पर ईडी की पिछले दो दिन से लगातार छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम सबसे पहले मंगलवार को पानीपत स्थित विधायक धर्म सिंह छोकर के घर पहुंची। तीन गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम में छह पुरुष अधिकारी और एक महिला अधिकारी शामिल थे। यहां पहुंचने पर टीम ने विधायक के पिछले कामों से जुड़े और उनके मौजूदा कामों के दस्तावेज खंगाले। इस दौरान किसी को भी अंदर आने से रोका गया। वहीं इसके बाद से धर्म सिंह छोकर पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी। अब सवाल ये उठता है कि धर्म सिंह छोकर पर ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है और पूरा मामला क्या है। दरअसल धर्म सिंह छोकर समालखा से कांग्रेस के विधायक हैं। विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह छोकर माहिरा ग्रुप के एमडी हैं। माहिरा ग्रुप के गुरुग्राम में सात विवादित प्रोजेक्ट हैं। इनमें छह अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग और एक दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्रोजेक्ट शामिल है। इनमें 6,000 से अधिक लोगों ने फ्लैट बुक करवाए थे लेकिन साइट पर निर्माण कार्य बंद पड़ा है। बिल्डर कंपनी की ओर से आगे भी रुपए जमा करवाने को कह रहा है। इस ग्रुप पर गुरुग्राम में कई एफआईआर दर्ज है। बायर्स के अलावा जमीन मालिकों की ओर से भी बिल्डर ग्रुप पर एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। वहीं विधायक धर्म सिंह छोकर पर भी आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इससे पहले भी 2021 में धर्म सिंह छोकर के कई ठिकानों पर रेड की गई थी। वहीं धर्म सिंह छोकर पर ईडी की इस कार्रवाई के बाद से प्रदेश में सियासत गरमा गई। एक और कांग्रेस वाले इस द्वेष की राजनीति बता रखे थे। दूसरी ओर इनेलो नेता अभय चौटाला ने धर्म सिंह छोकर को लेकर सरकार पर ही निशाना साध दिया, साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष किया। अभय चौटाला के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धर्म सिंह छोकर का पार्टनर तक बताने के बयान चर्चाओं में आ गए। धर्म सिंह छोकर जो है तुम्हारे से अगले हल्के का है, समालखा का। ईडी वालों ने तो रेड मार के पकड़ लिया। हरियाणा सरकार जिसने लाइसेंस इश्यू किए उसको, उस 400 पेज की चार सीट में ये भी हमने दिया था कि एक मामूली आदमी जो है, जो एमएलए था, उसको इस तरह से इन्होंने लाइसेंस इशू किए, उसने जमीनें खरीदी। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टनर है, अकेले धर्म सिंह छोकर का नहीं है ये, वो भी इसमें पार्टनर है। केवल भाजपा उसको इसलिए नहीं पकड़ रही कि लोग आपस में मिलकर के प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज ईडी वालों ने रेड मारी, सुबह 1200 करोड़ का मामला सामने आया है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट 8.5 वर्ष से कहां सोई हुई थी, इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी, जबकि इनके सामने सारी बातें थी, सारी कंप्लेंट थी, उसके बावजूद कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ हुड्डा को बचाने के लिए सारी चीजें हो रही है। आज लोग इस बात को बहुत आराम से अच्छे से समझ गए कि कांग्रेस भी जो है। वही अभय चौटाला ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए धर्म सिंह छोकर को बचाने के आरोप जड़ दिए। अब तुम्हारे सामने नहीं है कि धर्म सिंह छोकर के खिलाफ 1200 करोड़ का गबन का मामला ईडी ने पकड़ा है। प्रदेश की सरकार सो रखी थी क्या? प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी? इसको भी सारी जानकारी थी, क्यों बचा रहा था इसको? कोई तो कारण होगा, मुख्यमंत्री बताए तो सही कि अब तक उसने इसको क्यों बचाया। धर्म सिंह छोकर के घर से अब ईडी को क्या कुछ मिलता है, ये तो छापेमारी के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ईडी की इस छापेमारी से प्रदेश में सियासत जरूर गरमा गई है। बहरहाल विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता रहता है कि जिस भी प्रदेश में चुनाव नजदीक होते हैं वहाँ बीजेपी जांच एजेंसियों को भेजकर विधायकों और नेताओं को डराने धमकाने का काम करती है। हरियाणा में भी अगले साल चुनाव है, ऐसे में यहाँ भी इस तरह की आवाजें उठना शुरू हो गई है। पानीपत से प्रदीप रेडू, डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।